मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मां बंजारी शक्तिपीठ पहुंचे और नवरात्रि के पावन अवसर पर आदिशक्ति मां बंजारी की मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते नजर आए। उन्होंने विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, राजगीत और विश्वविद्यालय गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि अब 1,08,000 सीटों की वृद्धि हुई है, लगभग 40% सीटों में वृद्धि हुई। इन 4 सालों में 8 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं। यह विज्ञान का युग है। ITI में नए ट्रेड के लिए टाटा से 1200 करोड़ रुपए का MOU भी किया गया है, जिससे हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमारी सरकार ने बेरोजगार साथियों के लिए बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया है। उसके भी बधाई, और आज से रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हुआ है, उसके भी बधाई और शुभकामनाएं। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष कुलपति आदरणीय केसरी लाल वर्मा जी, संसदीय सचिव भाई विकास उपाध्याय जी, कुल सचिव शैलेन्द्र पटेल जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, मनमोहन अग्रवाल जी, सभी हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, सभी छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबको बधाई और शुभकामना। बहुत सारे बिल्डिंग के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ, उसके पहले बंजारी माता मंदिर का भी वहां हम लोग गए, माता से आशीर्वाद भी लिए। विधानसभा समाप्त हुआ, बजट सत्र समाप्त हुआ और बजट पे सबकी निगाहें रहती है, तो सबसे ज्यादा चाहे स्कूल शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, सबसे ज्यादा व्यय इसी विभाग में हम लोगों ने किया है। आदरणीय साथियों, किसी भी प्रदेश, देश या समाज के विकास के पैमाने में एक पैमाना होता है शिक्षा की स्तर क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति कैसी है, इससे आंका जाता है। और इस मामले में एक समय था कि छत्तीसगढ़ में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, तब नागपुर और उसके बाद सागर, बाद में रविशंकर विश्वविद्यालय बना, अब तो विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी आ गई है। चाहे जगदलपुर चल दीजिए, अंबिकापुर चल दीजिए, दुर्ग में चल दीजिए, हमारे कार्यकाल में 2 विश्वविद्यालय और हम लोगों ने खोला, एक शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ में, दूसरा विश्वविद्यालय पाटन में हॉर्टिकल्चर, महात्मा गांधी के 185 वर्षगांठ के अवसर पर महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हम लोगों ने की है। आदरणीय साथियों, मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, इन 4 वर्षों में 33 नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले, वहीं 76 प्राइवेट सेक्टर में खुले, और अभी इस वर्ष बजट में 23 कॉलेज स्वीकृति प्रदान मिली है। और इस प्रकार से अब 1,08,000 सीटों की वृद्धि हुई है, जो प्राइवेट में कट ऑफ कम हो बहुत हाई रहता था, अब सीटें बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो कट ऑफ नीचे आएगा, और बहुत सारे छात्र छात्राएं जो प्राइवेट एग्जाम दिलाने के लिए बाध्य होते थे, अब उनको अवसर मिल सकेगा। इस प्रकार से लगभग 44% सीटों की वृद्धि हुई है, ये बड़ी उपलब्धि। और उसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, हमारे 4 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज, इस साल 4 हमने स्वीकृत किया, 4 पहले से, जो डॉक्टरों की कमी थी उसे पूरा करने में बड़ा इसे सहयोग मिलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र हो, सब में हमारी कोशिश रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्षों से सहायक प्राध्यापकों की भर्ती रुकी हुई थी,
और हमारे शासन काल में 1200 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल और 40 क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति हुई है। तो इस प्रकार से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि यही जो पीढ़ी है, वर्तमान जो पीढ़ी है, वो जिस प्रकार से उसकी शिक्षा दीक्षा होगी, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का भविष्य निर्धारित होगा।